अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है उसके हवाले से कंप्लीट रहनुमाई करने जा रहा हूँ आपकी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहे। तो बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान कैबिनेट डिवीजन में जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। शानदार नौकरियों की अनाउंसमेंट मेल और फीमेल दोनों के अंदर अप्लाई के लिए एलिजिबल है। आपकी जो एजुकेशन है प्राइमरी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन मास्टर सब वो जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक एफएससी या फिर ग्रेजुएशन या मास्टर है सब जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करें तो असिस्टेंट एजुकेशन जो है वो रिक्वायर है, 19 जो है वो इसमें पोस्ट्स हैं। अगर हम बात करें आपकी ग्रेजुएशन की बुनियाद पे असिस्टेंट एजुकेशन के लिए जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है और इसके लिए आपके इंटरमीडिएट प्लस आपके जो कंप्यूटर की स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए। वर्ड आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद इंटर की बुनियाद पर आप जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो मैट्रिक की बुनियाद पे आप एलडीसी की जॉब भी हासिल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक की हुई है वो एलडीसी की 20 जो है वो पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भी जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 44 पोस्ट है इसके लिए। प्राइमरी पास प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद नैब कासद की भी जॉब है, 28 पोस्ट हैं इसके लिए। एजुकेशन रिक्वायर है आपकी प्राइमरी, अगर आपने पास की हुई है तो आप इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जो कैबिनेट डिवीजन में ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। जो लोग भी ये जॉब हासिल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स इस पर लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। कैबिनेट सेक्रेटरीट में जो है स्टूडेंट्स ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, इसकी मजीद डिटेल्स आप गूगल पर जाकर चेक कर लें। उधर आपको इसका एड भी मिल जाएगा और आपको इसके जो अप्लाई के लिए प्रोसेस है ऑनलाइन वो भी आपको इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन ही है। इसके हवाले से आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी, आपको ओवरव्यू देना था। अगर आपका मजीद सवाल हो इसके हवाले से तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।